रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला के गांव में एक बहुत बड़ा मटर का खेत था, जहां पर सरला मटर की खेती करती और उसका बेटा राघव शहर में काम किया करता था। लेकिन अब वो काफी समय बाद अपने गांव अपनी माँ के पास हमेशा के लिए लौट रहा था और उसकी माँ भी उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और सरला भागी भागी दरवाजे पर जाती है और देखती है कि बाहर उसका बेटा एक लड़की के साथ खड़ा था, जिसकी मांग में सिंदूर था और हाथों में लाल चूड़ी, जिसे देखकर सरला कहती है, अरे बेटा, ये लड़की कौन है जिसे तू अपने साथ ले आया? कौन दोस्त है जो तेरे साथ गांव देखने के खातिर आ रही? नहीं माँ, ये आपकी बहू है, हमने शादी कर ली है। क्या कहा, शादी कर ली है? तूने हमके बताना भी जरूरी नहीं समझा, और अब क्यों आया है यहाँ हमके अपनी इस दुल्हनिया को दिखावे खातिर? माँ, हम यहाँ आपके साथ हमेशा के लिए रहने आए हैं और हमारी शादी किसी वजह से जल्दबाजी में हुई है, इसलिए आपको नहीं बता पाए, हमें माफ कर दीजिए माँ। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर हम तुम दोनों को माफ करूंगी, हमेशा तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपके साथ रहेंगे अब से। इतना कहकर अब सभी अंदर चले जाते हैं और सभी साथ बैठकर थोड़ी बातें करते हैं और फिर राघव अपनी माँ से कहता है, माँ, अपनी मटर की खेती कैसी चल रही है? बेटा, फसल तो अच्छी हुई है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, बाजार में हमारी फसल के कोई भी अच्छे दाम नहीं देना चाहता, इसलिए सब मटर धीरे धीरे खराब होती जा रही है। अच्छा, ठीक है माँ, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। यूँ ही एक दिन और बीत जाता है। राघव बाजार जाता है और मटर के दाम पूछने पर कोई भी मटर नहीं खरीदना चाहता था। तभी राघव उदास होकर घर आता है और उसे यूँ उदास देखकर सीमा कहती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे उदास क्यों हैं? क्या करूँ यार, कोई भी मटर की फसल नहीं खरीदना चाहता, मैं तो परेशान हो गया हूँ, तो माँ अब फिर से परेशान हो जाएगी, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अब परेशान ना हो, मेरे पास एक आइडिया है इस परेशानी से बाहर आने का। अब सीमा राघव और उसकी माँ को बुला कर कहती है, माँ जी, आपको पता है शहर में हर जगह लोग अपना बिजनेस चलाते हैं रेडी पर खाने का सामान लगाकर, क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही शुरू करें? बहू तो कहना क्या चाहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। माँ जी, मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम मटर से बने नए नए पकवान बनाए और उन्हें गांव में बेचे, इससे हम बहुत से पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन सीमा, हमारे पास सिर्फ मटर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, फिर इसमें हम कैसे कर पाएंगे बिजनेस? अरे राघव, हम मटर के पराठे, मटर की कचौड़ी और भी बहुत सारी चीजें बनाएंगे जो लोगों ने बहुत ही कम देखी और खाई होगी, और अनोखी चीजें अक्सर लोगों को पसंद भी आती हैं। सीमा की बात दोनों को बहुत पसंद आती है और अब सीमा राघव से कहती है एक रेडी बनवाने के लिए और उस पर लिखवाती है सास बहू की मटर कश्ती, लेकिन गलती से कारपेंटर उस पर सास बहू की मटर गश्ती लिख देते हैं और ये देखकर राघव कहता है, सीमा यार, एक गलती हो गई है, हमने रेडी पर सास बहू की मटर कश्ती लिखवाया था और उस पागल ने मटर गश्ती लिख दिया, अब क्या करें? अरे तो क्या हुआ, ये भी बहुत अच्छा है, लोग जब हमारी इस छोटी सी दुकान का अनोखा सा नाम देखेंगे ना, तो खुद ब खुद हमारी ओर आ जाएंगे। अरे वाह सीमा, तुम तो सच में बहुत दिमाग वाली हो। सीमा की बात मानकर अब दोनों सास बहू गांव के बाजार में अपनी मटर गश्ती ठेले के साथ पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उनके ठेले पर लिखे नाम सास बहू की मटर गश्ती को देखकर लोग खुद ब खुद उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और सभी आकर उनके हाथों का बना खाना चखना चाहते थे। धीरे धीरे काफी सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं और उनके हाथों के बने मटर पुलाव, मटर के पराठे, मटर की टिक्की जैसे कई सारे खाने को खाते हैं। और इस बात से अब सीमा, राघव और उसकी सास तीनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके खेतों के मटर किसी अच्छी जगह पर काम आ रही थी। ऐसे ही एक दिन एक आदमी सास बहू की मटर गश्ती ठेले पर आता है और सीमा से पूछता है, वैसे आपके हाथों का बनाया हुआ सारा खाना बहुत ही अच्छा था, हमने कभी सोचा भी नहीं था मटर के इतने सारे अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं, और आज वो हमें खाने को भी मिल गए, सच में खाके तो मजा ही आ गया। लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी आप लोगों से, माना कि आप लोग मटर के बने हुए पकवान बेचते हो, लेकिन आपके ठेले पे ये जो लिखा हुआ है सास बहू की मटर गश्ती, इसका क्या मतलब है? ये तो हमने बस इसलिए करवाया है ताकि आप जैसे सभी ग्राहक जो कि खाने के असली शौकीन हैं, वो हमारी ओर आकर्षित हों और हमारे हाथों के बने मटर के सभी व्यंजनों का स्वाद लें।
वैसे बात तो सच है, आपकी ये सास बहू की मटर गश्ती एकदम जबरदस्त है और आपका खाना वो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। मुझे तो मजा ही आ गया खाकर। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और पूरे गांव में सीमा और उसकी सास की मटर गश्ती दुकान चल पड़ती है और लोग हर दिन उनके यहाँ पर बहुत भीड़ जमा लगाए खड़े रहते थे, जिसके बाद दोनों सास बहू अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और सास बहू की मटर गश्ती नाम से एक ढाबा खोल लेते हैं और यहाँ पर लोग सास बहू की मटर गश्ती ढाबे पर मटर से बनी सभी खाने को पसंद भी करते थे। लेकिन उनके इस तरक्की से सरला की पड़ोसन विमला बहुत चिढ़ा करती। एक दिन वो उनके ढाबे पर खाना खाने के लिए जाती है और ऐसे ही बात करते हुए वो सरला से कहती है, अरे क्या बात है सरला बहन, जब से तुम्हारे बहू बेटा तुम्हारे घर आए हैं तब से तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई है। तुमने तो पूरी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि सास बहू के मटर गश्ती जैसा कोई ढाबा भी तुम खोल लोगी और पैसे कमाओगी। हाँ विमला बहन, तुमने सही कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसा काम भी कर पाऊंगी और अपने मटर के खेतों का अच्छी जगह इस्तेमाल कर पाऊंगी। सुना है तुम्हारे यहाँ पर मटर से बने सभी पकवान बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, जरा मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी चक्कर देखना चाहूंगी कि आखिर कितने अच्छे होते हैं तुम्हारे सास बहू की मटर गश्ती पकवान। हाँ हाँ क्यों नहीं विमला, तुम्हें तो मैं फ्री में दूंगी, आखिर तुम हमारी पड़ोसन जो ठहरी। इतना कहकर सरला उसे एक थाली में मटर के पराठे और मटर की सब्जी दे देती है। वहीं विमला जैसे ही थोड़े से पराठे और सब्जी खाती है एकदम से बेहोश हो जाती है, जिसे बेहोश देखकर आसपास के सभी लोग उसकी ओर दौड़े दौड़े आते हैं और बातें बनाने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खाने में कुछ मिलाया है और पुलिस को बुलाने लगते हैं। लेकिन सीमा कहती है, रुकिए, जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, विमला आंटी जी किसी और वजह से बीमार हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बने खाने में कोई मिलावट नहीं है। अरे अगर ऐसा ही है तो खुद क्यों नहीं खाकर दिखाती, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो तू भी बेहोश नहीं होगी। आप लोग भी तो यहाँ इनसे पहले खा रहे हैं ना, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर इन्हें कैसे हो गया। क्या पता तुम दोनों सास बहू की मिली भगत हो अपने पड़ोसन को मारने की और किसी बहाने से इसके खाने में कुछ मिला दिया और मार दिया। उस औरत की बात पर सभी लोग हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और सबको लगता है कि अब तो पक्का दोनों सास बहू ने विमला के खाने में कुछ मिलाया होगा। और लोगों की कड़वी बातें सुनकर सीमा जिस थाली में विमला खा रही थी उसी थाली से थोड़ा खाना खाने लगती है और कुछ देर तक उसे कुछ नहीं होता, जिसके बाद सीमा कहती है, अब बताओ आप सब मुझे कुछ हुआ क्या। नहीं ना, जो आप लोग कह रहे थे कि हमने इनको मारने की कोशिश की है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं भी इन्हीं की तरह यहाँ पड़ी होती। सीमा की बात पर सबको यकीन हो जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और वो विमला को देखकर उसे चेक करता है और डॉक्टर बताता है कि उसे कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे, जिस वजह से वो बेहोश हुई। सभी लोग अब दोनों सास बहू से माफी मांगते हैं और सास बहू की मटर गश्ती हर दिन की तरह और भी फेमस हो जाती है और दोनों मिलकर खूब पैसा कमाते हैं। निंद्रा बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी, जिसने अपनी शादी के 2 साल के अंदर ही अपनी ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और उसके घर में हर कोई उसकी तारीफें करते नहीं थकता था। उसकी जिंदगी में दिक्कत थी तो उसकी 5 नंदे और 5ों की 5ों कवारी, लेकिन निंद्रा को अपनी सब नंदे पसंद थी और वो उनको अपनी बहन की तरह रखती थी। उन 5ों को शॉपिंग करने का बड़ा चस्का था और निंद्रा भी उनको प्यार से शॉपिंग वाली 5 ननद कहकर बुलाती थी। एक दिन निंद्रा की सास संतोषी निंद्रा के कमरे में आकर कहती है, बहू तूने भी हद कर रखी है, एक तरफ तो जहाँ सब सासे इस उम्र में अपनी बहू से परेशान होती है, वहीं मैं अपनी खुद की 5 बेटियों से परेशान हूँ और तू है कि हमेशा उनका साथ देती रहती है, उनका पक्ष लेती है। अरे क्यों माँ जी, क्या कर दिया उन्होंने, जब देखो आप अपनी बेटियों को मेरी प्यारी नंदों को हमेशा डांटती ही रहती हो। अरे करना क्या है, सुबह का सूरज निकलते नहीं देखा कि शॉपिंग करने चली गई, ना नाश्ता किया ना घर का कोई काम करवाया, भला ये भी कोई बात हुई क्या। और एक तू है ना कि उनको कुछ नहीं कहती और ना ही समझाती है, ऐसा लगता है कभी कभी कि तू उनकी माँ है और मैं उनकी भाभी। माँ जी कोई बात नहीं, ये तो उम्र है उनकी शॉपिंग करने की, तो करने दीजिए ना, इस उम्र में तो लड़कियाँ शॉपिंग करने सजने धजने इन्हीं में मन लगाती है। तभी बाथरूम से नहा कर निंद्रा का पति धीरव आता है
और अपनी माँ संतोषी को अपनी बहनों की शिकायत अपनी बीवी से करते देखकर कहता है, अरे माँ कोई फायदा नहीं है इसको समझाने का, पता नहीं जब देखो ये अपनी ननदों का साथ क्यों देती रहती है। माँ मैंने तो इसको बोलना ही बंद कर दिया है। सुनो निंद्रा, तुमको समझना बेकार है, तुम मेरे लिए नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वरना अगर आज मुझे मेरे बॉस ने निकाल दिया ना, तो तुम्हारी शॉपिंग वाली 5 ननदों के लिए शॉपिंग के पैसे कहाँ से आएंगे। इतना कहकर धीरव तैयार होने लगता है और संतोषी और निंद्रा कमरे से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद सब लोग साथ नाश्ता करते हैं और धीरव ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़े समय बाद निंद्रा की 5 नंदे शुभाली, रेणुका, रमिला, प्रियांशी और पूनम आती है और बहुत सारे शॉपिंग बैग्स सोफे पर पटक देती है और उनको देखकर उनकी माँ संतोषी कहती है, आ गई बेड़ा गर्क करके, शर्म नहीं आई अपने भाई की कमाई ऐसे लुटाते हुए। अरे माँ अपने भाई के पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है, जब भाई और भाभी हमें कुछ नहीं कहते तो आप क्यों बोल रही हो। हाँ दीदी आप सही कह रही हो, माँ को तो आदत ही हो गई है मतलब के चिक चिक दिक दिक करती रहती है। सबकी लड़ाई सुनकर वहाँ निंद्रा आती है और अपनी सब नंदों से कहती है, अरे ननन जी आ गई आप सब, सब फ्रेश हो जाइए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, वरना हमारी माँ तो हमें सुना सुना कर ही पेट भर देती। जिसके बाद सब ननद अपना अपना शॉपिंग बैग उठाकर अपने कमरों में चली जाती है और ये देखकर संतोषी को बहुत बुरा लगता है। वक्त बीतता है और उसकी 5 बेटियों की शॉपिंग की आदत नहीं जाती और उनकी भाभी निंद्रा भी अपनी 5 शॉपिंग वाली नंदों को बच्चे समझकर माफ कर देती और कुछ नहीं कहती। ये सब देखते हुए एक दिन जब निंद्रा रसोई में काम कर रही होती है तो धीरव अपने कमरे में अकेला होता है तो वहाँ पर उसकी माँ संतोषी आकर कहती है, बेटा पहले तो बस अपनी बेटियों से परेशान थी लेकिन अब तो मैं अपनी बहू से भी परेशान हूँ, जीना हराम कर रखा है मेरा। क्यों माँ ऐसा क्या हो गया, वो भी मेरी बहनों की तरह शॉपिंग करने लग गई है क्या। अरे नहीं बेटा, लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं कहती बल्कि शॉपिंग करने के लिए बढ़ावा देती है और जब उन पर पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो अपने पैसे जो उसने मेहनत से जमा किए होते हैं वो भी अपनी नंदों को निकाल कर दे देती है। ये तो गलत बात है माँ, ऐसे तो मेरी बहनों को शादी बाद बड़ी दिक्कत होगी, सब कहेंगे कि हमने ही कुछ नहीं सिखाया और समझाया उनको। माँ हमको कोई प्लान बनाना चाहिए जिससे निंद्रा और उसकी शॉपिंग वाली 5 ननदें सुधर जाएं। इतनी बातचीत के बाद दोनों प्लान बनाते हैं और अगले दिन धीरव आकर सबको बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। ये कहकर वो रोने लगता है और उसके 5 बहनें और बीवी व माँ उसके पास उसे दिलासा दे रहे होते हैं। तभी धीरव कहता है, क्या दिलासा दे रही हो तुम मुझे, इस पूरे घर में एक ही मैं ही कमाता हूँ और मेरी नौकरी चली गई, हम सब क्या करेंगे अब, और तुम्हारी ये 5 शॉपिंग वाली नंद इनका क्या। अरे सब हो जाएगा, आप पहले ये बच्चों की तरह रोना बंद करिए और आप ऐसे ही परेशान होंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपकी तबीयत से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। जिसके बाद धीरव नौकरी जाने का नाटक करके कुछ दिन छुट्टियां लेकर घर पर रहने लगता है और निंद्रा बहुत देखभाल करके घर का खर्च चलाकर पैसे बचाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी नंदे फिर से एक साथ बहुत सारी शॉपिंग करके आ रही हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, मैंने कभी तुम लोगों को किसी चीज के लिए मना नहीं किया लेकिन अब तो तुम लोगों को सोचना चाहिए था, कम से कम अपने भाई का घर के खर्च का उसका तो ध्यान रखती, उसमें हाथ बटा देती, शॉपिंग में पैसे क्यों उड़ाए। ओहो भाभी इस घर में काफी थी जो हमें शॉपिंग करने के लिए कुछ नहीं कहती थी और अब आप भी शुरू हो गई। हाँ भाभी हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमें तो लगा था कि आप हमें शॉपिंग के लिए नहीं रोकेंगी। नहीं रोकती थी क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे भैया है खर्च चलाने के लिए, लेकिन अब उनकी नौकरी चली गई है, अगर कुछ महीने वो कमा नहीं पाए और तुम लोग उड़ाते रहे तो इस रोड पर बैठकर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम अपनी इस शॉपिंग की गाड़ी पर लगाम लगा लो। इतना कहकर निंद्रा परेशान हो जाती है और ये समझ जाती है कि उसने ही अपनी नंदों को सर पर चढ़ाया है, जिसके बाद वो आगे बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और उसकी सब नंदों को अपनी गलती और फिजूल खर्ची समझ में आती है।
जिसके बाद कुछ दिनों में वो सब मिलकर अपना अपना बिना यूज का सामान जो उनके काम का नहीं था पर उन्होंने खरीदा था उसे ऑयल एक्सपर्ट बेच देती है और उसे जो भी पैसे आते हैं वो जमा करके अपने भाई और भाभी के कमरे में पांचों ले जाकर देते हुए कहती है, सॉरी भैया, सॉरी भाभी, आप दोनों ने हमें बड़े लाड प्यार से रखा और किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और भाभी तो हमको माँ से ज्यादा प्यार करती हैं और हमेशा जब कोई भी हमसे लड़ता है तो हमारी ही साइड लेती हैं। लेकिन हमने आप दोनों की कभी कद्र नहीं की। पर जब हमने देखा कि भाभी अपने कंगन गिरवी रख के घर खर्च चला रही हैं, तो सबको ये फील हुआ कि हम सब कितने गलत हैं। इसलिए हम अपना सारा फालतू सामान बेचकर कुछ पैसे लाए हैं, जिससे एक महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा और फिर हम सब भी कोई नौकरी देख लेंगे और भैया का हाथ बटा देंगे, जिससे आप सब लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमने समझ लिया है कि जितना कमाना चाहिए उसका कुछ प्रतिशत ही खर्च करना चाहिए, बाकी बुरे दिनों के लिए सेव करके रखना चाहिए। भले ही हमें देर से अकल आई लेकिन आ गई। अपनी पांचों बहनों की गाड़ी पटरी पर आते देखकर धीरव समझ जाता है कि उन सब को सच्चाई बताने का सही समय आ गया है और वो उन सब से कहता है, जब तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं भी तुम सबको कुछ बताना चाहता हूँ। सच ये है कि मेरी नौकरी नहीं गई है, ये सब तो मैंने तुमको बढ़ती महंगाई और सेविंग का महत्व बताने के लिए किया था। मेरी कुछ छुट्टियाँ पेंडिंग पड़ी थी तो मैंने ले ली ताकि मुझे भी रेस्ट मिले और तुम सबको अकल भी आ जाए। आपने ये बहुत अच्छा किया धीरव, इनके साथ मुझे भी ये समझ आ गया, प्यार और अपनापन अपनी जगह है लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना ही, यही है असली समझदारी। जिसके बाद निंद्रा की पांच शॉपिंग वाली ननद भी अपनी शॉपिंग के फालतू खर्चे कम कर देती है और अपने अपने लिए अच्छी नौकरी देखकर अपने भाई का हाथ बटाने लगती है, जिसके बाद वो शॉपिंग तो करती लेकिन कम और अपने खर्चों पर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।